नमस्कार दोस्तों, सैरिसी टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है और मैं हूं दिलीप गंगवार। ये स्टार्ट बटन है, ये मेरा वर्क नहीं कर रहा है। और अगर मैं इसके सर्च द वेब एंड विंडोज पे कुछ सर्च करता हूँ तो वो सर्च तो हो जाता है बट वो रन नहीं होता है। और ऐसी ही कुछ स्टार्ट से रिलेटेड बहुत सी समस्याएं हैं। सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मैं वो तरीके आपको बताऊंगा। इनमें से कोई ना कोई तरीका आपके बग को सॉल्व कर देगा, ये पक्की बात है। सबसे पहला तरीका ये है कि आप टास्क मैनेजर ओपन करें। तो इसके लिए आपको ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट दबाना है। उसके बाद जब आपके सामने टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको विंडोज एक्सप्लोरर ढूंढना है। यहाँ पे वैसे नॉर्मली जनरली नीचे होता है बट अभी ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करके आप एंड टास्क कर दीजिए। पूरा विंडोज एक्सप्लोरर एंड हो जाएगा। देखिए, आप सारे सिस्टम चल रहे हैं, ओनली विंडोज एक्सप्लोरर बंद हुआ है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे आप एक्सप्लोर करते हैं पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को, मतलब वो बंद हो गया है। आपको ये करना है कि आप टास्क मैनेजर भी बंद कर दीजिए और आप ऑल्ट कंट्रोल डिलीट वापस दबाइए। यहाँ पे आके आपको ये कॉर्नर मोस्ट शट डाउन बटन पे रीस्टार्ट कर देना है। तो आपको करना ये, आप वापस टास्क मैनेजर ओपन कीजिए। यहाँ पे जो फाइल नाम का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, और फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको रन न्यू टास्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है MS config और यहाँ पे ओके कर दीजिए। के बाद आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको बूट ऑप्शन में जाना है, ये बूट ऑप्शन है, यहाँ पे इसमें जाइए। यहाँ बूट ऑप्शंस में जो सेफ बूट वाला चेकबॉक्स है इस पर आप टिक कर दीजिए, और इसके टिक करने के बाद नेटवर्क पे टिक करने के बाद अप्लाई और ओके दबा दीजिए। फिर ये आपसे पूछेगा रिस्टार्ट करना है आपको या फिर बिना रिस्टार्ट के एग्जिट करना है, तो आप यहाँ पे रिस्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको करना ये है कि आप वापस से टास्क मैनेजर ओपन कीजिए। फिर यहाँ पे आपको ऊपर के बार पे फाइल वाला ऑप्शन पे वापस क्लिक करना है और यहाँ पे रन न्यू टास्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे लेकिन अब की बार MS config की जगह आपको टाइप करना है PowerShell। फिर यहाँ पे आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो चेकबॉक्स है क्रिएट दिस टास्क विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस, इस पर आपको टिक करना है और यहाँ पे ओके कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने ये ब्लू सी स्क्रीन यहाँ पे आएगी। इस स्क्रीन पे आपको एक बहुत लंबा कमांड लिखना है, वो कमांड आप ऐसे लिख नहीं पाएंगे और शायद लिख भी ले तो सारा आपके ट्रबल सेव करने के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो कमांड, वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। तो अभी मेरे नोटपैड में मैंने ये कमांड कॉपी कर रखा है, यहाँ से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही लंबा सा प्रोसेस होगा जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस के होने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अगर इन सारे तरीकों से भी आपका बग सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये लास्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पक्का से आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इसमें करना क्या है, विंडोज एक्सप्लोरर में जाइए, आप दिस PC पे क्लिक करना है। आपके ऊपर यहाँ पे बार होगा जिसमें फाइल कंप्यूटर व्यू नाम के ऑप्शन होंगे, इसमें आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ये श्योर करना है कि आपका जो यहाँ पे हिडन आइटम्स वाला चेकबॉक्स है ये टिक हो रखा है। मोस्टली टिक नहीं होगा तो इसलिए आप इसे टिक कर दीजिए। तो मेरा ये टिक है, इसे टिक करने के बाद यहाँ पे आपको लोकल डिस्क C में क्लिक करना है या जिस भी ड्राइव में आपने अपनी विंडो इंस्टॉल कर रखी है। अभी नॉर्मली तो सब C में ही करते हैं तो C में ही जाना पड़ेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं किसमें हो रखी है तो आप देखेंगे कि आपके डिस्क के ऊपर ये विंडो का लोगो होगा। तो मेरी सी ड्राइव में है, मैं सी ड्राइव में जाता हूँ। यहाँ पे आपको एक फोल्डर देखना है यूजर्स नाम का, इस यूजर्स नाम के फोल्डर में आपको क्लिक करना है। फिर इस फोल्डर को खोलने के बाद आपके सामने तीन फोल्डर आएंगे, एक होगा डिफॉल्ट, दूसरा होगा पब्लिक और थर्ड होगा जो आपका यूजर अकाउंट है। तो आपको अपने यूजर अकाउंट वाले फोल्डर को ओपन करना है। तो मेरा यूजर अकाउंट सुमेधा है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे आपके इसके बाद आपको ऐप डाटा नाम के फोल्डर के अंदर जाना है। इसके बाद ऐप डाटा के बाद आपके सामने तीन फोल्डर आएंगे, लोकल, लोकल लो और रोमिंग। इसके अंदर आपको लोकल वाले फोल्डर में जाना है। इसके बाद यहाँ पे इन सारे फोल्डर्स में आपको एक फोल्डर ढूंढना है, टाइल डाटा लेयर। तो मेरा ये टाइल डाटा लेयर ये रहा। तो नॉर्मली होता क्या है, जो आपका स्टार्ट का जो सारे फंक्शंस वगैरह और जो फाइल है वो टाइल डाटा लेयर में स्टोर होते हैं। तो कभी कभी होता क्या है, टाइल डाटा लेयर वाला फोल्डर
करप्ट हो जाता है, जिस वजह से आपका स्टार्ट बटन ओपन नहीं होता है। तो आपको करना ये है कि फाइल डाटा लेयर वाले फोल्डर में राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप टाइल डाटा लेयर के बाद कुछ भी लिख सकते हैं जो आप चाहेंगे, बस इसका नाम चेंज करना है। मैं यहाँ पे बैकअप लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे द एक्शन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड बिकॉज द फोल्डर और फाइल इन इट इज ओपन इन अनदर प्रोग्राम। ये मेरे इसलिए आ रहा है, ये आपके नहीं आएगा अगर आपका स्टार्ट बटन काम नहीं कर रहा है। ये मेरे इसलिए आ रहा है बिकॉज मेरे स्टार्ट बटन काम कर रहा है। अगर आपका ये फोल्डर करप्ट हो रखा है तो ये मैसेज बॉक्स नहीं आएगा और आपका टाइल डाटा लेयर बैकअप नाम से स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ, मेरा ये टाइल डाटा लेयर ही रहेगा। इस फोल्डर के रीनेम करने के बाद आप अपना पीसी रीस्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज रीस्टार्ट करने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पीसी में जितनी भी मिसिंग फाइल्स होती है जो इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो सारी रीइंस्टॉल कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने ऑडियो ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल कर देते हैं, तो अगर आप अपना पीसी रीस्टार्ट करेंगे तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। आपका पीसी रीस्टार्ट होने के बाद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे कोई ऐसा फोल्डर नहीं दिखेगा जिसका नाम टाइल डाटा लेयर है, और इसलिए वो उसे ऑटोमेटिकली वापस रिक्रिएट कर देगा ऐसा फोल्डर, और सारी की सारी उसके अंदर फाइल्स बिल्कुल फ्रेश होंगी और उसमें कोई करप्शन नहीं होगा और आपका स्टार्ट बटन बिल्कुल परफेक्टली चलने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें, सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स में टैग करें, लाइक करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।